हेलो फ्रेंड्स, ऑडिट की तैयारी आप लोग इस वक्त में स्टार्ट कर चुके हो। फटाफट से मैं आपको बता देता हूँ कि क्या चीज़ें इस बार इम्पॉर्टेंट रह सकती हैं, यानी कि किन चीज़ों पे आपको ज़्यादा कंसिडर करना चाहिए। ठीक है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो रहेगा वो हमेशा की तरह से कंपनी ऑडिट रहने वाला है। और आप लोग जानते भी हो बहुत अच्छी तरह से कि कंपनी ऑडिट का पोर्शन ऐसा पोर्शन है जिसमें अपने सबसे ज़्यादा नंबर आ सकते हैं, और करीब करीब 20 नंबर का जो पेपर है, 20 मार्क्स का जो पेपर है, वो कंपनी ऑडिट से आना ही है। और चूंकि लॉ का पोर्शन है तो नंबर जो है, मार्क्स जो है, वो भी आपको बहुत अच्छे मिल सकते हैं। तो सबसे पहले इस वक्त में कंपनी ऑडिट को ही हाथ में लीजिए और कंपनी ऑडिट को तैयार कर लीजिए। आप लोगों को मैंने जो क्वेश्चन बैंक देके रखा हुआ है प्रैक्टिस जंक्शन के नाम से, उसमें मैंने आप लोगों को ऑलरेडी सेक्शन वाइज क्वेश्चन सम अप करके दे रखे हैं। आप उन सारे क्वेश्चंस को भी अगर कर लेते हैं तो अपने को पूरा का पूरा कंपनी ऑडिट उसमें कवर हो जाएगा। कंपनी ऑडिट सेकंड की अगर बात करूं तो लॉ का ही पोर्शन है सारा का सारा। हाँ, उसमें जो अकाउंटेंसी से रिलेटेड पॉइंट है वो आप लोगों को अलग से करने चाहिए। अदरवाइज अगर आपका अकाउंट्स, अगर आपका लॉ बहुत अच्छा है तो वही बायबैक वाले क्वेश्चंस जो हैं या फिर शेयर कैपिटल का जो पार्ट है वो आप बहुत आराम से कर सकते हैं, ज़्यादा टेंशन नहीं आने वाली है। और कारो वाले पार्ट को भी आप इसी के अंदर कवर करने वाले हैं। तो ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हुआ कंपनी ऑडिट का। अब कंपनी ऑडिट के अलावा अगर आपसे बात करूं मैं एसएस के ऊपर, तो बहुत बड़ा पोर्शन जो अपना है एसएस का है, वाउचिंग वेरिफिकेशन का है और स्पेशल ऑडिट का है। वाउचिंग वेरिफिकेशन का आंसर कैसे करना है, इसका मेथड मैंने आप लोगों को ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया है, उसको आप बिल्कुल फॉलो करिए। और इसके लिए आप अगेन प्रैक्टिस जंक्शन के अंदर मैंने कुछ एक आपको उसमें सैंपल दे रखे हैं कि किस तरह से आप आंसर्स को लिखेंगे, अदरवाइज प्रैक्टिस मैनुअल के पोर्शन को आप देख करके जाइए। सबसे लास्ट में आप करिए वाउचिंग वेरिफिकेशन और स्पेशल ऑडिट जो है, जिसमें क्लब का ऑडिट है या फिर हॉस्पिटल का ऑडिट है अपना, उन सारी चीज़ों को आप एक बार देखेंगे तो बहुत आराम से आप लोगों को याद भी हो जाएगा और आप बहुत आराम से उसको कर भी पाएंगे। लेकिन मैं मेरा ये सजेशन रहेगा कि इन चीज़ों को अपने को सबसे लास्ट में करना चाहिए। नाउ दोस्तों, ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चंस आप लोग जानते हो, जैसा आप तक के पैटर्न के हिसाब से 10 क्वेश्चंस रहेंगे जिसमें से आपको 8 करने हैं। 16 नंबर का ये पोर्शन है, वाउचिंग वेरिफिकेशन भी 16 नंबर का है, ये भी 16 नंबर का है। कहां से क्वेश्चंस आएंगे अपने को नहीं पता, लेकिन बिना घबराए आप इन आंसर्स को करेंगे। आप जो पढ़ के जा रहे हैं क्वेश्चन उन्हीं में से बनने हैं, इसलिए ज्यादा इसमें टेंशन अपने को नहीं लेनी है और बहुत कॉन्फिडेंटली आपको पेपर करना है। अब एसेस पे अगर मैं आपसे बात करूं तो ऐसे क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, सबसे पहले तो दो ऐसे आप लोग नोट करें जिनमें एक ऐसे 260 रहेगा और एक ऐसे रहेगा अपना 570, जिस पर इस बार अमेंडमेंट आ चुके हैं। तो चूंकि अमेंडमेंट है इसलिए अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, आप लोगों को करके जाना चाहिए। अब बाकी एसेस पे बात करूं तो आपका आरटीपी जो है वो भी बहुत सारे एसेस की बात कर रहा है, काफी सारे एसेस उसमें दे रखे हैं, जिसमें ऐसे 200 अपने को करना चाहिए, ऐसे 520 अपने को करना चाहिए, ऐसे 560 अपने को जरूर से कर लेना चाहिए। उसके अलावा ऐसे 510 अपना जो है इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट वाला, वो अपने को करना चाहिए। ऐसे 200 तो रिपीटेड क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं तो बहुत ज्यादा चांसेस इसके ऊपर बनने वाले हैं क्वेश्चन आने के। ऐसे 230 अपना जो है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन वाला, वो भी आपको देखना चाहिए। ऐसे 320 जो मटेरियलिटी वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, आपको करना चाहिए। ऐसे 315 जो है ऑडिट रिस्क वाला पोर्शन, थोड़ा सा मुश्किल रहता है पर छोड़ के नहीं जाना चाहिए। ऑडिट सैम्पलिंग 530 बहुत अच्छा पोर्शन है, ये भी आप लोगों को करके जाना चाहिए। एग्जाम के हिसाब से बहुत बढ़िया पॉइंट रहेगा अगर आप इन चीजों को करके जाते हैं। तो ये एसेस मेनली रहेंगे जो जो मैंने अभी आपको बताए। और इन जनरल अगर बात करूं तो 200 की सीरीज को बहुत अच्छे से देख करके जाइए। उसके अलावा 500 की सीरीज भी अच्छी है, 700 की जो सीरीज है उसको बहुत सिंपल पढ़ना है, क्योंकि आप कंपनी ऑडिट करते हैं तो चाहे फिर 700 हो या 705 या 706 हो, उसमें ज्यादा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बहुत आराम से आप कर सकते हैं। लेकिन जो ऐसे मैंने बताए वो आपको जरूर करने चाहिए, इतना सब करने के बाद आपका कोर्स बहुत स्ट्रांग बन जाएगा। और एंड में जाते जाते आप लोग गवर्नमेंट ऑडिट के जो पॉइंट्स है उनको भी देखिए, अच्छा पॉइंट है, या फिर ईडीपी ऑडिट, ईडीपी का वीडियो बत्रा सर का भी अपलोड कर दिया है हमने, तो आप वो अच्छे से देख करके जा सकते हैं। फिक्स क्वेश्चन जो बनते हैं ईडीपी, कुछ लोगों को मुश्किल लगता है तो आप वो देख सकते हैं। तो इन जनरल ये सारी चीजें करें आप लोग, और जनरल जो पॉइंट्स आपके नोट्स में देके रखे हैं बस उनको पढ़ करके जाइए।
दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि अभी जो मैंने अमेंडमेंट के नोट्स आपको दिए थे उसके पीछे मैंने एक लिस्ट दे रखी है आपको कि ऐसे के जो क्वेश्चंस हैं वो प्रैक्टिस मैनुअल में किस पेज पे कौन सा क्वेश्चन कवर है। तो जब आप एसएएस को पढ़ें तो उन पॉइंट्स को साथ में वहां से क्वेश्चंस देख करके पीएम के क्वेश्चंस एक बार देख लीजिए, बहुत स्ट्रांगली आपकी तैयारी हो जाएगी, बहुत जबरदस्त तैयारी हो जाएगी। और बगैर घबराए, बगैर बड़े कोर्स की चिंता किए तैयारी करिए। ऑल दी बेस्ट। और भी कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो जल्दी से शेयर करूंगा। ऑल दी बेस्ट।